कैमरा जी अभी यार बैग भी देना तेरी भी लग खवातीन और रात की हाल चाल है ठीक हो ना खवातीन और रात। आज का जो लोग है बड़ी स्मैक्सी और शॉर्ट डिलीशियस होने जा रहा है भाई साहब, इसी वजह से स्मैक्सी और शॉर्ट डिलीशियस होने जा रहा है क्योंकि आज जो हमने नाश्ते का उजाड़ा कर देना ना वो पिछला व्लॉग आपने नहीं देखा, पिछले व्लॉग में हमने रात का डिनर किया था भाई साहब, शोरबा एंड काले चने का शोरबा और साथ चावल। सो भाई साहब आज नाश्ते में क्या होगा आप गेस कर लो ना यार, क्या करते हो यार, से आपा नहीं पै गया। सो यहाँ पे काले चने का शोरबा है, साथ नमक है, साथ अचार है और साथ है जी मज़ेदार सी रोटियाँ। अरे भाई साहब ये होने जा रहा है जी अपना नाश्ता माश्ता। आए हाँ हाँ तो नाश्ते का करते हैं जी उजाड़ा और अभी फ़ौरन मिनट से पहले क्या करें हम करते हैं जी आपका वेलकम अनदर ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने बदर भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को मस्त लाइक और कमेंट कर दें ना भाई साहब। हमारे ब्लॉग के टाइटल कुछ अजीब व गरीब से होते हैं, डेली ब्लॉगर, बेस्ट ब्लॉगर, ये वो फलाना फलाना। भाई साहब कुछ एक्टिविटी की समझ नहीं आती यार, रैंडम से ब्लॉग होते हैं, कोई समझ नहीं आता आगे क्या करना है क्या नहीं करना। सो लिहाजा जो भी आता है ना हमारे दिमाग में, हमारे मेरा मतलब के काम करदगी में, तो वही हम आपको दिखा देते हैं। सो अभी ऐसा करते हैं नाश्ते को मुकाते हैं और फिर देखते हैं भाई क्या एक्टिविटी है क्या एक्टिविटी है। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ते का उजाड़ा करने के बाद आपको कुछ बाहर का माहौल ना दिखा दिया जाए। भाई साहब नाश्ता बड़े मजे का था भाई, काले चने विद रोटियाँ प्यों प्यों के खा दिया, मजा ही आ गया भाई साहब। तो आ जाओ जी आज आपको कितने दिनों के बाद छोटी क्यारी एंड बड़ी क्यारी प्यारी प्यारी दिल की दुलारी इससे मुलाकात करवाते हैं भाई साहब। ओए होए 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 चेक कर रहे हो कैसा उजाड़ बियाबान बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो भरे तो बस सब सड़ गया, सब सड़ के ओहो हो सब नीचे गिर गया। तोबा 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 ये देखो ना ऊपर है जी नीम का दरख्त, नीम के जितने भी सड़े होते हैं ना सारे पत्ते वो सारे नीचे गिर जाते हैं और गंदी गंद गंदी गंद रोज़ की बुनियाद पे एक गंदी गंद। तोबा रे तोबा, और छोटी क्यारी भी भरी हुई है गंद से और बड़ी क्यारी भी गंद से भरी हुई है। तोबा रे तोबा। सो लिहाजा ओ शिकरा जी बाहर खड़े हैं, चाबी लगी हुई है और शिकरा जी कह रहे हैं कि भाई चलो बाहर। ओह ये क्या है, रे बाप ये कहाँ से आ गई रे बाबा, ये कुत्ती है और वो कुत्ता है। बोला हबीबी भी ये प्लाट में क्या डेट मार रहे थे क्या, अरे बाप रे बाप प्लाट ना दिखा दें आपको आज, ओ तेरी हैर प्लाट में तो भाई साहब एक और कुत्ता जिसको कब्ज़ हुई हुई तो बारे तो ओए ओह क्या यार प्लाट भी सारा उजाड़ बियाबान बना हुआ है। सो लिहाजा ऐसा करते हैं कि अभी हम कैसा करते हैं, अभी हम चलते हैं जी बाहर कुछ वारागर्दी करने। चलो शिकरा जी चलिए यार वारागर्दी करने और देखते हैं जी कहाँ पे वारागर्दी करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल को क्यारी प्यारी प्यारी दिल की दुलारी और ये जी शिकरा जी और हम जा रहे हैं जी वारागर्दी करने। हेयर वी गो। वारागर्दी करते करते हम एक जगह में आ गए हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदनी थी लोकल ना, तो यहाँ पर ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। सो ज्वेलरी तो थोड़ी बहुत खरीद ली है, बैग में रखी है, ये पीछे है बैग। और अभी जी थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने कहा भाई साहब क्यों ना चावलों का उजाड़ा किया जाए, तो इट्स उजाड़ा टाइम। शामी टिक्की हलीम हाँ उबले उबले चावल मज़ेदार, यहाँ पर जी खूबसूरत सी प्लेट है और यहाँ पर जी हम और इट्स उजाड़ा टाइम। सो गाइस अभी थोड़ा वीरा आ गया जी अपनी शॉप पे और भाई साहब शाला मार्केट है, चावल भी बड़े मज़ेदार थे और भाई साहब आपको क्या क्या बताएं इतने काम की फ्लैक्स भी लेके आए हैं भाई साहब अपन अपनी शॉप के लिए। सो लिहाजा रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हुआ और आपको मैं फ्लैक्स दिखाना चाह रहा था, एक साइड से सुबह ने पकड़ी हुई है और एक साइड में उसने पकड़ी हुई है, और ये रही फ्लैक्स जो कि हमने अपनी तरफ से शटर का साइज करवाया था लेकिन ये शटर से तो तीन गुना बड़ी है। ओह बाकी ये चेक करो कि फ्लैक्स उसने डिज़ाइन कैसी कर दी राना है तो शाम साहब ने। वल्ला हबीबी बदर भाई हेयर सलून अपना नंबर आ गया और साथ यूट्यूब का लोगो आ गया और ये भी लोगोज आ गए। वल्ला हबीबी एक तो ये फ्लैक्स थी यार, तू ना इसको तय लगा दे, तो तू ना दूसरी वाली तू इसको तय लगाई आ रही है पकड़ी, तो तू दूसरी वाली सीधी करी ना, दूसरी ये है भाई साहब रेट लिस्ट, फ़ोन नंबर हम नीचे लिखा हुआ है वो हाइड कर देंगे। और बाकी ये अरे ये दूसरी फ्लैक्स वल्ला हबीबी हाजा स्टैंडी साइज और ये रेट लिस्ट है भाई साहब। ये भी बड़ी स्मैक्सी किस्म की मान गई है, वो देखो ना वो सामने आ गया लोगो आ गया, अपनी शक्ल आ गई अपनी बूथी आ गई, स्मैक्सी लग रही है कि नहीं लग रही। हाँ हाँ और ये आ गया भाई सलून का लोगो और ये भाई रेट लिस्ट है ठीक है। और हाँ 17 सब्सक्राइबर्स ये रेट देख के डर ना जाएं, डिस्काउंट हो जाएगा भाई साहब, घबराने की बात नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। सो लिहाजा भाई साहब ये फोन नंबर जो है वो नीचे हम हाइड कर रहे हैं ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टैंडी साइज फ्लैक्स बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन हो गया, दिखा इसके ये भी है ना ये कोने पर ये भी बने हुए हैं, हाँ यहाँ पे ज़बरदस्त हो गया सारे कोनों पे बने हुए हैं। सो लिहाजा ठीक है यार इसको सुबान तय लगा दे। और भाई साहब अभी लड़का जो है वो तो चला गया, क्यों चला गया क्योंकि भाई साहब आज फिर हम शॉप पर लेट आए हैं। हाँ जी क्या टाइम क्या हो गया होगा सुबान इस टाइम वाला, टाइम तो दिखा स्यापा नहीं पै गया ऊपर दी अख हुए
एक बज गया एक। चलो जी अभी चलते हैं जी को डिनर शिनर की तलाश में, यहाँ वहाँ भटकते हैं और देखते हैं जी डिनर हमें कहाँ से नसीब होगा फिलहाल। और दूसरी मज़े की बात ये है, भाई साहब के सुबह एक और कारीगर आ रहा है हमारी शॉप पे, दो कारीगर हो जाएंगे। हाँ हाँ, सुबह वाले जो कारीगर है ना वो अभी आए हुए थे लेकिन अभी हम आपसे नहीं मिलवा सकते, सुबह मिलवाएंगे ठीक है। और सुबह हमने टाइम ऑफ टाइम शॉप पर भी आना है क्योंकि नए कारीगर आ रहे हैं ना, तो उनको मैंने अभी चाबी नहीं दी, तो खुद तड़ावीरा खुद आके जो है ना वो शॉप ओपन करेगा, तो सुबह टाइम पे आना है, तो इसी वजह से जो है ना हम आज टाइम पे घर जाके सोएंगे स्यापा नहीं बैठा डिनर करके। तो देखते हैं जी डिनर में हमें क्या नसीब होगा फिलहाल, तो चलते हैं जी डिनर करने। हेयर वी गो। अभी घर जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब खाएं तो खाएं क्या, इतना बड़ा चौंक है और खाने वाली यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ जिंगर बर्गर शवारमा और ये वो बर्गर शर्गर शामी बर्गर यहाँ से लगवाना लें उस्ताजी, क्या कहते हो एक शामी बर्गर मंगवाते हैं और कल हमने कोक भी लेके आए थे तो घर बैठ के उजाड़ा करेंगे। की कहते शिकरा जी हैं, शिकरा जी की कहते ने, शिकरा जी कहते ने ओके करो। चलो जी शामी बर्गर यहाँ से पैक करवाते हैं भाई साहब, ये अतीक खान यहाँ का मशहूर बर्गर वाला स्यापा नहीं पै गया, तो यहाँ से शामी बर्गर लगवाते हैं और चलते हैं जी सीधा घर जाके फिर उजाड़ा करते हैं भाई साहब बर्गर का, स्यापा पै गया। यहाँ पर जी शिकरा जी हैं और यहाँ पर जी हम। अभी मैं घर आ गया हुआ हूँ और भाई साहब उजाड़ा कर रहा हूँ डिनर का, तो डिनर में भाई साहब हमारे पास है जी शामी बर्गर, अंडे वाला बर्गर अरे बाबा, और इसके अलावा बोतल अरे बाबा, और इसके अलावा ये जो है ना काले चने जो आपने देखे होंगे कि कल पके हुए थे, शोरबा खत्म हो जाता है भाई साहब, काले चने रह जाते हैं। फिर उसमें हमने प्याज काट के टमाटर काट के उसमें हरी मिर्चें चाट मसाला मज़ेदार। सो उसके अलावा यहाँ पर है जी हमारे पास हुई मज़ेदार सी आलू गोभी विद रोटी। तो भाई साहब अभी टाइम हो जाता है इन सारी चीज़ों का उजाड़ा करने का। सो गाइज आस्ता आस्ता उजाड़े की तरफ रवा दो, आखिरी बाइट बच गई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक ऑप्टिमम बाइट ही बना ली जाए। पहले हम लेते हैं अभी यहाँ से चने, ये इसके ऊपर आलू गोभी वाली रोटी के ऊपर ऐसे चने का छिड़काव कर देते हैं। चने बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी कर लिए हैं भाई साहब, ये देख रहे हो, नहीं आप खुद देखो, हुई मिर्चें भी काट के डाली हैं, मैं कहता हूँ मिर्चें लगी जा रही हैं भाई साहब बात सीधी। सो उसके बाद हम करते हैं यहाँ से लेते हैं जी ये बर्गर, ये बर्गर को भी हम करते हैं इसके अंदर ऐसे स्मैश। अब हम करते हैं जी एक ऐसे गोल कतारा, दिस इज़ दी बिगेस्ट एंड एग्जैक्टिव ऑप्टिमम बाइट भाई साहब। अंदर जाके भी सारा कुछ मिक्स ही होना है तो मैंने कहा बाहर ही मिक्स कर लेते हैं यार, पेट को जो है ना क्यों हमने सिर खपाई करनी है पेट के साथ। सो लिहाजा दिस इज़ दी एग्जैक्टिव ऑप्टिमम बाइट भाई साहब, तो बाहर से हम सारा कुछ मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह बरकत, हो भाई साहब मज़ेदार। भी थोड़ा वीरा डिनर का उजाड़ा करने तो बाद ब्लॉग खत्म कर लगा जी। सो लिहाजा भाई साहब डिनर तो बाद तानू तो पता है कि मिठी, मैं तो कहना मिठा मिठा ओ भाई साहब, भाई साहब मिठा बड़ा जरूरी है बात सीधी है, डिनर के बाद अगर मीठा ना हो तो समझो कि मज़ा ही नहीं आता। सो लिहाजा भाई साहब आइसक्रीम का उजाड़ा करने जा रहे हैं डिनर के बाद, और आज का सबसे ज़रूरी काम यही था कि हमने ना फ्लैक्स कलेक्ट करनी थी उर्दू बाज़ार से, शालम मार्केट इतना ज़्यादा रश, तोबा रे तोबा, फिर उर्दू बाज़ार गए राना इत्शाम साहब के पास, वहाँ से हमने फ्लैक्स वगैरह ली। अभी कल के व्लॉग में जो है ना हम फ्लैक्स को लगा देंगे, और कल एक और कारीगर आ गया भाई साहब हमारी शॉप पे, सलून वाली शॉप पे एक और कारीगर आ गया, आज उसका इंटरव्यू भी लिया, हम आपको दिखा नहीं सके, कल जो है ना प्रॉपर मुलाकात करवाएंगे आपकी ठीक है, कि कौन है हमारी शॉप के दूसरे कारीगर, हो सकता है एक कारीगर छोड़ के चला जाए और दूसरा जो है ना प्रॉपर मुस्तकिल वहाँ पर ही रहे। सो लिहाजा आज का जो व्लॉग हम यहीं पर खत्म करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग देखकर मज़ा नहीं आया होगा, अगर तो आप अदर भाई यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को मस्ट लाइक और कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, मुझे दे दे इजाज़त, औ का फर्र।